हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामेस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हथेली है काफ़ी स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है। फिंगर्स की जो लेंथ है वो एवरेज है और जो फिंगर्स हैं काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, जो अच्छी एनर्जी और स्टैमिना को शो करती हैं। यहाँ पर मैं राइट हैंड को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा क्योंकि मेल का हैंड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स जो हैं इनकी काफ़ी स्ट्रेट हैं, थिकनेस काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनके अंदर काफ़ी अच्छी एनर्जी और स्टैमिना रहेगा। और अगर हम बृहस्पति फिंगर की बात करें तो थोड़ी शॉर्ट होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर अपोलो के मुकाबले। तो थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटीज़ में कमी रह सकती है, फैमिली के सुखों में थोड़ी सी कमी रह सकती है, क्योंकि वैसे मैंने इनका बर्थ चार्ट भी चेक किया जिसमें जो गुरु है वो राहु के साथ कंजंक्शन कर रहा है, तो जिसकी वजह से गुरु का वीक होना यहाँ पर नॉर्मल चीज़ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इनका बृहस्पति मुझे वीक नज़र आ रहा है, और जो सूर्य है वो काफ़ी अच्छा है, तो अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रहेंगी। शनि इनका काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आप फिंगर देख सकते हैं, शनि माउंट की काफ़ी अच्छी फिंगर है, जो मध्यमा उंगली है, काफ़ी मेहनती नेचर रहेगी और अपनी मेहनत की वजह से ही ये लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाएंगे। मरकरी की बात की जाए तो मरकरी की जो लेंथ है यहाँ तक पहुँच रही है, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को शो कर रही है और अच्छी कैलकुलेशंस भी इनके अंदर रहने वाली हैं। ओवरऑल फिंगर्स में कोई ज़्यादा फ्लॉ नहीं है, सिर्फ बृहस्पति फिंगर थोड़ी शॉर्ट है, अदरवाइज़ यहाँ पर फिंगर्स काफ़ी अच्छे रिजल्ट देने वाली नज़र आ रही हैं। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर एक लाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की लाइन जो है बनकर सामने आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं जो मरकरी है और जो गुरु माउंट है यहाँ पर हल्के लो सेट हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी पोजीशन दिखाई दे रही है। कोई भी यहाँ पर बैड मार्किंग नहीं है, माउंट्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट देने वाले नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मरकरी माउंट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मरकरी माउंट के ऊपर काफ़ी सीधी और खड़ी रेखाएँ जो इस माउंट को प्रोमिनेंट करती हैं, और यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन जो इनकी बिजनेस करने की कैपेबिलिटीज़ को शो करती हैं। तो अगर ये बिजनेस में जाते हैं तो उसमें इनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट रहेगा इस माउंट के उभरा हुआ होने की वजह से। उभरा हुआ माउंट है, फिंगर का साइज़ भी अच्छा है, तो काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स रहेंगे, काफ़ी अच्छी कैलकुलेशंस रहेंगी। तो यहाँ पर मरकरी इनको अच्छे रिजल्ट देने वाला माउंट मुझे नज़र आ रहा है। आगे चेक करते हैं इनका सूर्य माउंट। सूर्य माउंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य की फिंगर जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी लेंथ में है। आप देख सकते हैं सूर्य माउंट हल्का सा दबता हुआ अंदर की तरफ, अदरवाइज़ एक सूर्य रेखा भी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो नेम एंड फेम मिलने के जो चांसेस हैं वो ओल्ड एज में ही रहेंगे। यहाँ पर जो 20s और 30s की एज है इसमें ज़्यादा एक्टिव यह सूर्य माउंट नहीं रह सकता। आगे देखते हैं यहाँ पर इनका जो माउंट है शनि का फ्लैट नज़र आ रहा है, और शनि की जो रेखा है लगभग यहाँ पर डबल फेड की लाइन है, और जो 33 के आसपास की एज में चलकर थोड़ी सी वीक हो रही है, और इस एज के बाद थोड़ी स्ट्रगल लाइफ में रहेगी, मेहनत रहेगी ज़्यादा, लेकिन काफ़ी मेहनती नेचर है इनकी, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी प्रोग्रेस भी कर पाएंगे, क्योंकि जब तक शनि की लाइन होती है तब तक लाइफ में कंफर्ट्स रहते हैं। और इसी तरह की लाइन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इनके लेफ्ट हैंड में भी कुछ यहाँ पर आकर थोड़ी सी लाइन वीक हो रही है 33-34 के आसपास की एज में, और आगे फिर से चलती दिखाई दे रही। तो कुछ इनके 3 से 4 साल ऐसे रह सकते हैं जिसमें थोड़ी सी इनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, अदरवाइज आगे चलकर फिर से लाइन का बनना यहाँ पर शो करता है फिर से कंफर्टेबल लाइफ। लेकिन जब भी यह स्ट्रगल आती है तो व्यक्ति को काफ़ी अचीवमेंट्स भी देकर जाती है। गुरु माउंट की बात की जाए तो गुरु माउंट यहाँ पर प्रोमिनेंट है, और यहाँ पर एक गुरु वल्या जैसी रेखा जिसको हम लाइन ऑफ सिंपथी भी कहते हैं, सिंपथेटिक नेचर इनकी रहने वाली है,
और गुरु की तरफ से एवरेज रिजल्ट मैं सिर्फ इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर फिंगर का साइज थोड़ा शॉर्ट है, अदरवाइज माउंट प्रोमिनेंट है, तो जो फिंगर के साइज में थोड़ी कमियाँ थी वो माउंट यहाँ पर कंप्लीट करता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी लाइंस को। तो सबसे पहले हार्ट की लाइन की बात करना चाहूँगा। हार्ट की लाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कुछ ब्रांचेस से चल रही है, थोड़ी रोमांटिक नेचर रहेगी और हार्ट की लाइन का जो कर्व है ऊपर की तरफ मुड़ता हुआ जो इनको काफ़ी हद तक इमोशनल नेचर का बनाता है। बहुत ज़्यादा इमोशंस तो नहीं रहेंगे लेकिन कुछ मूड स्विंग्स जैसी दिक्कत यहाँ पर हल्का गर्डल ऑफ वीनस का बनना भी इस तरह की सिचुएशन पैदा करता है कि व्यक्ति को मूड स्विंग्स जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। अचानक से मूड का अच्छा होना और अचानक से ऑफ होना, कुछ ऐसी स्थितियाँ लाइफ में बन सकती हैं। थोड़ी इमोशनल नेचर भी इनकी यहाँ पर नज़र आ रही है इस कर्व की वजह से और दूसरा पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस की वजह से। और यहाँ पर आप अगर देखें तो विष्णु सिंबल जैसी फॉर्मेशन होती हुई जो एक बहुत ही अच्छा चिन्ह माना जाता है पामिस्ट्री में, खास तौर पर प्रोग्रेस के लिए काफ़ी प्रोग्रेस रहती है लाइफ में इस तरह का बायफोर्क बनना, लेकिन स्ट्रगल भी लाइफ में काफ़ी रहती है। जैसे जिन लोगों के हाथ में ऐसा सिंबल देखा गया ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ते हैं और लाइफ में प्रोग्रेस पाते हैं। और इनसे मैं हमेशा यही बात कहता हूँ जिनके भी हाथ में ऐसा वी सिंबल बनता है, जैसे इनके दोनों हाथों में यहाँ पर आप देख सकते हैं वी सिंबल बनता हुआ यहाँ पर दोनों हाथों में कुछ ऐसा चिन्ह बन रहा है, तो इनको मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि कभी भी किसी गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश ना करें, कोई शॉर्टकट यूज़ ना करें, अपनी मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़े तो काफ़ी बरकत लाइफ में रहने वाली है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो इनकी लाइन ऑफ माइंड है यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग, और माइंड की लाइन से एक ब्रांच का ऊपर की तरफ निकलना और ऐसा ही यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड में भी दिखाई दे रहा है ब्रांच ऊपर की तरफ निकलती हुई जो शो करती है काफ़ी शार्प माइंड को, बिजनेस माइंडेड पर्सनैलिटी को। और इस तरह की लंबी लाइन का होना काफ़ी तेज़ दिमाग और काफ़ी अच्छी मेमोरी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर यह इनके लिए काफ़ी अच्छा चिन्ह है। इस तरह की लंबी लाइन व्यक्ति को प्रोग्रेस करने में सहायता करती है और एक तरह से ये धन योग भी माना जाता है क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे लाइफ में प्रोग्रेस बढ़ती जाती है इस तरह की शार्प लाइन होने की वजह से। और दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, यहाँ पर इन दोनों लाइनों के बीच में गैप का होना यहाँ पर शो करता है काफ़ी रिस्पॉन्सिबल एंड इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी को, अपने सारे डिसीजंस खुद से लेना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह लगभग 10 या 12 वर्ष की एज से ही इंडिपेंडेंट हो गए होंगे, उससे पहले थोड़ा सा फैमिली का या किसी न किसी का प्रभाव इनके ऊपर हो सकता है, लेकिन उस एज के बाद ये बिल्कुल पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नज़र आ रहे हैं और अपने सारे फैसले जो अहम फैसले होते हैं लाइफ के वो खुद से लेते हैं बिना किसी की सलाह लिए और बिना किसी की बात सुने। थोड़ी ज़िद्दी टाइप की पर्सनैलिटी भी हो जाती है लेकिन रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी भी मैं इसको कहता हूँ जब इस तरह की दो लाइन्स अलग अलग होती हैं। तो उसके अलावा यहाँ पर लाइफ में प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी है क्योंकि काफ़ी सारे प्रोग्रेस के ऑफशूट्स मैं देख पा रहा हूँ, बहुत ही छोटे छोटे ऑफशूट हैं लेकिन काफ़ी सारे ऑफशूट्स हैं जो लगभग यहाँ पर 28 के आसपास की एज से मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जो है लगातार प्रोग्रेस बनी रहेगी, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस यहाँ पर इनकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है। फेट लाइन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं फेट लाइन यहाँ पर मून एरिया से चलती हुई जो भारी स्पोर्ट को शो करती है, डबल फेट लाइन है जो एक अच्छा चिन्ह है। मनी ट्रायंगल बन रहा है लेकिन मनी ट्रायंगल खुला होना, एक्सपेंसेस ज़्यादा होना यानी कि खर्चे इनके काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, किसी न किसी तरह के खर्चे या लाइफ में करते रहेंगे। यहाँ से देख सकते हैं आप पूरा मनी ट्रायंगल खुला है, एक रास्ता बन रहा है कि पैसा आएगा भी खूब इनके पास और इनके एक्सपेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं। तो इस तरह का मनी ट्रायंगल व्यक्ति को खर्चे करवाता है लेकिन आमदनी भी अच्छी होती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर इस तरह की रेखा का होना विदेश से इनकम को भी शो करता है और इनकी जो लाइन है वो भी बाहर की तरफ चल रही है, तो यह भी पॉसिबिलिटी रहती है कि घर से दूर कहीं जाकर बिजनेस करें या जॉब करें, उससे भी इनकम होने के काफ़ी अच्छे चांसेस रहते हैं। अच्छा वीनस माउंट यहाँ पर हर तरह की सुख सुविधाओं को शो करता है लाइफ में, हर तरह की सुख सुविधाएँ इनको सहज ही मिल जाएंगी क्योंकि यहाँ पर इस तरह का वीनस है जो इनको
लग्जरीज दिलवा सकता है लाइफ में, अच्छी लाइफ जिसको हम कह सकते हैं वो दिखाई दे रही है, क्योंकि लाइफ की लाइन यहाँ पर काफी स्ट्रांग है। लाइफ की लाइन में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, कुछ हल्की दिक्कतें हैं जो स्ट्रेस का रूप है यहाँ पर ले सकती हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से चेक करें, आपको कुछ हल्की लाइंस यहाँ पर जो इनकी फेट की लाइन को काटती हुई और यहाँ पर जो इनकी लाइफ की लाइन को काटती हुई दिखाई दे रही, लेकिन कोई मेजर दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो इनकी लाइफ है वो अच्छी रहती दिखाई दे रही है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो लगभग फेड लाइन जो है यहाँ पर 33 और 34 के आसपास चलकर यहाँ पर जो फेड लाइन है डिसअपियर हो रही है, शो करती है यहाँ पर किसी मेजर चेंज को। इस एज में चलकर कोई मेजर चेंज हो सकती है, और ऐसा ही इस हाथ में भी दिखाई दे रहा है, और आगे चलकर लाइन फिर से कंटिन्यू हो रही है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही बन रहा है। तो 34 से लेकर 36 तक अगर मैं कहना चाहूँ तो यह समय इनका थोड़ा स्ट्रगल भरा रहेगा, मुश्किलों भरा रहेगा, लेकिन आगे चलकर फिर से लाइन अच्छी है। तो आगे चलकर यह अपने बलबूते पर अपनी प्रोग्रेस को कर पाएंगे, अपनी लाइफ को सेटल कर पाएंगे। लाइन काफी लंबी है, तो लंबी एज यहाँ पर नजर आ रही है, तो लगभग यहाँ पर 90 से 95 के आसपास की एज को यह एंजॉय कर पाएंगे। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश रहती है कि सारे के सारे सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, फिर भी कोई ना कोई सवाल या कोई ना कोई चिन्ह रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका भी कोई क्वेश्चन पेंडिंग हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।